खबर बांसुर से। कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित परशुराम भवन में निजी स्कूल संघ बांसुर की आम सभा की बैठक संघ संरक्षक शशिकांत बोहरा की अध्यक्षता में हुई। इससे पूर्व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैठक में संघ अध्यक्ष आरसी यादव ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा की। चुनाव अधिकारी शशिकांत बोहरा ने नए अध्यक्ष पद हेतु नाम लिए। बैठक में चुनाव अधिकारी ने आम सहमति से आरसी यादव का नाम सुझाया, जिसका सभी निजी स्कूल संचालकों ने समर्थन कर निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना। संरक्षक शशिकांत बोहरा ने नव निर्वाचित अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाया। सभी निजी स्कूल संचालकों ने माला व साफा से स्वागत किया। अंत में नव निर्वाचित अध्यक्ष ने सभी स्कूल संचालकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देशराज, रत्तीराम, सुरेंद्र राव, विजय यादव, ख्याली राम गुज्जर, अजीत लांबा, राखी मैडम, दान सिंह सहित निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। संघ बांसुर की आज महासभा की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उज्ज्वल बनाया जाए और बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र पर विचार किया गया। सभी साथियों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, जो भी डायरेक्टर्स थे यहाँ उपस्थित हुए, कि जो देश में शिक्षा नीति है उसमें और किस प्रकार 4 चांद लगाए जाएं, और आज के जो नौजवान हमारे बालक हैं इन्हें आगे बढ़ाया जाए कि हर प्रतिस्पर्धा में ये बच्चे आगे बढ़े। उसी के तहत आज हमारे संघ के चुनाव भी निश्चित थे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आरसी यादव जी का समय कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव की तारीख तय की जाए, परंतु सभी साथियों ने एक मत होकर के ये निर्णय किया कि पुनः आरसी यादव जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है, जिसमें मुझे ये अधिकार दिया गया था, और मैं ये सर्वसम्मति से घोषणा सबने सहमति से आरसी यादव को निजी शिक्षण संस्था संघ बांसुर के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये इन्हें अपनी कार्यकारिणी घोषित करने का अधिकार आरसी यादव को दिया गया है।